नमस्ते, मेरा नाम निखिल तिवारी है, डिवाइन म्यूजिक स्कूल से। आज इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है जो हम लोगों ने पहला कवर किया था, पा धा नी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा नी धा पा। ये आप खूब कर लीजिएगा। ये करने के बाद हम इसको कितना फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं फिंगर को, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कुछ दे रहा हूँ आपको। वो अगर आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको एक फ्लुएंसी आ जाएगी। और इसमें स्पीड लाने का तरीका क्या है, इसी को बार बार करेंगे तो आपकी स्पीडिंग भी हो जाएगी। रोज कीजिए 50-100 बार, स्पीड अपना आप ही आ जाएगी। तो अभी स्पीड के पीछे नहीं भागना है हमें, क्लैरिटी ऑफ साउंड, हिसिंग साउंड ना आए, लंबा खींच पाएँ, वो हमारा मेन टारगेट है। स्पीड लंबे अंतराल के बाद आती है, तो लंबा प्रैक्टिस करने का स्पीड अपना आप आ जाएगी, वो टॉपिक अपना आप ही कवर हो जाएगा, पर एक चीज़ को बार बार करने के बाद। तो स्पीड में नहीं जाना है हमें, अपनी स्पीड सही रखना है, सही बजाने में जाना है। सही बजाएंगे कैसे, आराम से। अब इसमें हम अपनी प्रैक्टिस कितनी अच्छी कर सकते हैं, कितने फ्लेक्सिबल कर सकते हैं इन फिंगर्स को, इसके लिए सरगम में एक दो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप कर लो तो आपके जो फिंगर्स होंगे बहुत अच्छे हो जाएंगे। यही सरगम को आपने एक दो एक्सरसाइज बताऊँगा मैं आपको, ये बिगिनर्स के लिए भी है, ये थोड़ा आप अगर 3-4 महीने से फ्लूट बजा रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना है पा धा नी सा पा धा नी सा रे गा मा पा। पा मा गा रे पा मा गा रे सा नी धा पा। ये आप खूब कीजिए, देखिए आपकी फिंगर्स कितनी अच्छी हो जाती हैं। पर आप स्पीड हल्की करिए, तेज नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल पा धा नी सा पाधा नी सा रे गा मा पा मा मा गा रे पा मा गा रे पा मा गा रे सा नी धा पा। पर ये उनके लिए जिनका पाधा नी सा रे गा मा पा एक ठीक ठाक फ्लुएंसी आ गई, उसमें कमांड आ गया थोड़ा। अब आपका पाधा नी सा रे गा मा पा ठीक नहीं है, आप इस चक्कर में पड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो ये तो आपको अपने ऊपर रखना है थोड़ा कंट्रोल, कि कब कौन सी एक्सरसाइज, क्योंकि मैं तो सीरीज वाइज डाल रहा हूँ। अब आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, ये एक्सरसाइज तभी जाऊँ जब मेरा पाधा नीसा रेगा मा पर ठीक हो गया है। और जिसको 4-5 महीने हो चुके हैं वो तो करिए जरूर, यही सारे गामा में भी कर सकते हैं वो। अब इसका दूसरी एक्सरसाइज देखिए, पाधा नी सा रे सा नी धा पाधा नी सा रे सा नी धा पाधा नी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा। पाधा नी सा रे सा नी धा पाधा नी सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा रे गा मा पा मा गा रे सा नी धा पा। उससे पहले वाली एक्सरसाइज जब हो जाएगी तब इसमें जाइएगा, ये नहीं कि अब ये भी कर लूँ, 2 मिनट ये कर ली, 2 मिनट ये, कोई फायदा नहीं। पहले पहले वाला करिए खूब, फिर इसके बाद ज़्यादा, ठीक है। ये नहीं कि आप जबरदस्ती लगे हैं दूसरी एक्सरसाइज तीसरी एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज पहले कंप्लीट करिए। एक सांस में करने की कोशिश कीजिए, पाधा नी सा पाधा नी सा पाधा नी सा रे गा मा पा। नेक्स्ट ब्रेथ लीजिए, पा मा गा रे सा नी धा पा। और इनको बोल लीजिए पहले 20-30 बार, मन में आ जाए आपके, मन में एक बार आ जाएगा यहाँ जल्दी आएगा, बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप नोटेशन को रिपीट करने लग जाओ तो बहुत अच्छा आएगा, है ना। और गाने के बजाइए, वो तो मैं हर बार कहता हूँ गाने खूब बजाइए, पर नए लोग के लिए नहीं है अभी गाने। हैप्पी बर्थडे का मैं डाल दूँगा, छोटे मोटे, बाकी मैं इस चैनल में कोई गाने के ट्यूटोरियल नहीं दूँगा कि आप गाने कि आपको मैं नोटेशन बताऊँ, वो मैं नहीं करने वाला। तो आपको मैं प्रैक्टिस दे पाऊँगा, आप सोचो ये गाने के एक एक गाने के नोटेशन दो, वो मैं नहीं करूँगा, वो आपको मैं बिगाड़ दूँगा अगर मैं ऐसा करूँगा। तो आपको मैं चाहता हूँ कि आप सही ढंग से सीखें, और ये खुद से गाना जब लाएंगे तो उसका एक अलग मज़ा आएगा, नोटेशन में अटक जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। भजन वजन ऐसे चीज़ों के मैं कुछ बताऊँगा जैसे जिसमें आप अपने ये म्यूज़िक वैल्यू को इन्हेंस कर सकें, वो तो मैं बता दूंगा। अब आप सोचिए मुझसे कि याला गाने के नोटेशन बता दें, जनगणमन के नोटेशन, नहीं, वो आप खुद निकाल लोगे। ये बिल्कुल उम्मीद
रखें, आप खुद निकालेंगे और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रखें कि होगा, होता है ये, हर लोग कर सकते हैं। ये रखिए कि हर, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करेंगे ये 100% अचीव होगा। तो आप प्रैक्टिस ढंग से कीजिए, मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो एक एक करके, ये नहीं कि सब वीडियोस देखनी है, हमें व्यूज़ लाइक कमेंट उसके लिए नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है कोई सीखना चाहता है सीखिए, मैं कभी भी आपसे नहीं कहूँगा इसको आप सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगता है तो हमसे जुड़ो और आपके लिए कोशिश करेंगे हम अच्छी वीडियो बनाने की और अपनी फ्लूट फैमिली को और बड़ा करेंगे, लोग सीख जाएँ, ठीक है। तो हम अब ये प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद हम कुछ दूसरी प्रैक्टिस आपको देंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, आगे के लिए आपको शुभकामनाएं।